हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ और कीवर्ड प्लानर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप प्रो लेवल के कीवर्ड को आप एक्सपर्ट लेवल भी बोल सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ इस वीडियो में तो एक्सपर्ट लेवल भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। एक्सपर्ट लेवल का कीवर्ड मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर मैं समझाऊंगा कैसे, जो मतलब के जो एक्सपर्ट एसईओ होते हैं, प्रो एसईओ होते हैं, वो कैसे मेथड को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ कीवर्ड प्लानर का मैं आज आपको बता दूंगा आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अच्छे खासे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड निकाल सकता है, कोई भी बंदा कीवर्ड को निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। चाहे वो ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केट रहा है, सिर्फ कीवर्ड प्लानर से। और मैं आपको बताऊंगा कौन से कीवर्ड को कैसे रैंक कराना है, इसमें स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो फुल वीडियो जाके देखिए, और सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्किप करेंगे वीडियो को तो अगर एक भी पार्ट आपने मिस किया, तो आपका ये जो प्रोसीजर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वो आपको क्या हो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप सीखना चाहते हैं कीवर्ड ट्रेंड का एक्सपर्ट लेवल वाले कीवर्ड फाइंड करना, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या, आपको गूगल में सर्च करना है सिंपली कीवर्ड प्लानर। जैसा कि मैंने कीवर्ड प्लानर को सर्च किया दोस्तों, और मेक श्योर कि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको वो प्रो लेवल की चीज़ मैं आपको बताऊँगा आज। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें और अच्छे से देखें, समझें जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है, यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा आपकी ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी पे आप इसे साइन इन करेंगे, जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मेरा ईमेल आईडी है अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों, और फिर इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा ईमेल आईडी का, तो आपको पासवर्ड इंटर करके दोबारा आपको नेस्ट कर देना है। अब ये रिडायरेक्ट होने के बाद पेज चला जाएगा गूगल एडवर्ड के अकाउंट पे, गूगल एड्स के अकाउंट पे, जहाँ पर आपका वहाँ पर कीवर्ड प्लानर को आपको ऑप्शन चुनना है। उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो ये ओपन हो जाता है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ आपको। यहाँ पर कई स्टेप हैं, कई स्टेप लेने के बाद आप कैसे कीवर्ड को फाइंड करते हैं आपको लास्ट में समझ में आएगा। अभी लास्ट में जब वीडियो ये ख़त्म होगा तब आपको समझ में आएगा कि इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद तब जाके कीवर्ड फाइंड किया जाता है, और वो कीवर्ड रैंक होते हैं, डेफिनेटली 100% रैंक होते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो इस तरह का आपका पेज खुलेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए भेजेगा ये पेज, अकाउंट बनाने के लिए आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। उसके बाद ये जो एरो का निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरा विंडो खुलेगा जो कि आपके सामने है ये। अब यहाँ पर आपको लिखना है कीवर्ड को, अब कीवर्ड मैं आपको निकालता हूँ। जैसे कि आप पोस्ट लिखने वाले हैं, जैसे कि मैं पोस्ट लिखने वाला हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मुझे पोस्ट लिखना है शायरी पे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने शायरी लिखा और इसको इंटर किया और गूगल में सर्च किया। जब भी कोई आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले आप गूगल में उसको सर्च करें। गूगल में इसलिए सर्च करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास ही डेटा है सब कुछ, ठीक है। ये सारे कीवर्ड क्या होते हैं, गूगल के पास फीड है, तो आपको यहाँ से आइडिया लेना है कि कौन कौन से कीवर्ड क्या हैं यहाँ पर सर्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है कि शायरी है, तो शायरी कीवर्ड को आप यहाँ पर आप लाके पेस्ट करेंगे या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आप जब पेस्ट करने के बाद आप इंटर दाब देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करना है, शायरी वाला वर्ड देखिए हमारा हो गया है, शुरुआत का जितनी शायरी वाली वर्ड थे तो एक वर्ड हमारा हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को ले सकते हैं, पर यहाँ पर वीडियो नहीं है, मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या उठाना है, सैड को उठाना है। शायरी के बाद जितने वर्ड हैं यहाँ पर, सैड हो गया, ऑन लाइफ हुआ, दोस्ती हुआ, एटीट्यूड हो गया, फनी हो गया, तो ये सारे वर्ड को क्या करना है आपको एक एक करके यहाँ पर आपको
पेस्ट करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने साइट को पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर ऑन लाइव को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया दोस्तों, कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर दबाया और फिर अगला हमारा दोस्ती हो गया। कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर दबाया और अगला हमारा एटीट्यूड दोस्तों। इन सारे फ्रेजेस को आप बोल सकते हैं कि इनको सारे को मल्टीपल आपको तभी जाके ये कीवर्ड प्लान क्या होगा, आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड रहेंगी तभी जाके हमको एक लॉन्ग टेल अच्छे कीवर्ड निकलेंगे जिसपे हम अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और यही सीक्रेट चीज़ें हैं कि जो प्रो लेवल के होते हैं और जो एक्सपर्ट लेवल पर होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने का, तो वो इस सब इन्हीं मैथड का यूज़ करता है। मैं भी यही मैथड यूज़ करता हूँ। HRF जो है वो हमको टाइम बचाता है और उसमें कुछ और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है। कीवर्ड प्लानर में क्या है कि ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जो मैं आपको बता रहा हूँ और अभी लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने शायरी, सैड, ऑनलाइन, दोस्ती, एटीट्यूड, फ़नी, ये मैंने लगभग 6 कीवर्ड को पेस्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या है, इंग्लिश है दोस्तों। अगर आप शायरी में, अगर आपको जो ब्लॉग है वो आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, जैसे कि सपोज वो वाली हिंदी जैसे हिंदी में लिखा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए, जो इंसान कंफ्यूज होता है वो ज़िंदगी भर फिर वो दिक्कत ही हो जाती है उसको हर काम में। वो 50% का उसका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे शायरी वीडियो, शायरी लव, शायरी हिंदी, शायरी लव रोमांटिक, शायरी सुनाओ तो गूगल, शायरी शायरी, शायरी लव स्टोरी। तो ये क्या है, ये चीज़ें सर्च की गई हैं जो कि गूगल के पास डेटा ये पहले से फिट है। जैसे हमने शायरी लिखा, ये गूगल ने दे दिया कि यहाँ पर ये चीज़ें सर्च की गई हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं, क्या आप इसे देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप इन पे क्लिक कीजिए और आपके पास वो वेबसाइटें आ जाएंगी। जैसे कि सपोज शायरी लव रोमांटिक, गूगल ने कहा कि शायरी लव रोमांटिक मेरे पास है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं, तो उसको क्या किया, वो मैंने सर्च किया, वो डेटा दे दिया। देखिए, तो ये सारी वो हिंदी वाली इमेजेस आ गई सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर जो हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पर आप देखें मेटा डिस्क्रिप्शन जो हिंदी में लिखा गया है वो गूगल ने दे दिया कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, आप यही देख रहे थे तो मैंने आपको दे दिया। अब ये क्या, गूगल ने बता दिया कि आप देख लीजिए इसको, है ना। तो वही सेम कंडीशन अभी मैं यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ शायरी, तो अभी आपको सेम वही चीज़ें जैसे शायरी रोमांटिक में लिखता हूँ है दोस्तों, तो शायरी रोमांटिक, ये क्या है कि गूगल ने इमेजेस दे दिया सबसे पहले। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वर्ड को फाइंड करके वो दिया है, आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद को हिंदी को हाईलाइट किया है ना, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के यहाँ पर जितने भी डेटा हैं यहाँ पर सब इंग्लिश वाले आ गए। इससे पहले जो डेटा थे वो हिंदी वाले थे। तो गूगल के पास वो चीज़ें हमको बता देती है कि क्या इंग्लिश में आप लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं। वही यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी आप रिसर्च करेंगे, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो कंट्री है वो मैंने इंडिया चूज किया हुआ है। मैं इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ, तो आप इंडिया यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको डिलीट करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है और मेरा जो ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट पे इस कीवर्ड से वो इंडिया का आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडिया सर्च किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेव कर देंगे आप। तो ऑलरेडी मेरे यहाँ सेव है, इसकी वजह से ये सेव नहीं दिखा दिया। उसके बाद आपको करना है गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। गेट रिजल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल के पास ये हमारा कीवर्ड प्लान में एक डेटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 3627 यानी 3627 यानी 3627 कीवर्ड यहाँ पर आए। मैंने आपको 5 कीवर्ड रिसर्च किया, 5 कीवर्ड डाला, यहाँ पर गूगल ने मुझे 3600 लगभग कीवर्ड दे दिए। अब आपको अगला स्टेप जो है, यही जो अगला स्टेप मैं बताने वाला हूँ यही एक्सपर्ट लोग भी यूज़ करते हैं, प्रो लेवल वाले जो कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग करते हैं जैसे मैं करता हूँ कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग का, तो यही मेथड को मैं भी फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कीवर्ड डाउनलोड कीवर्ड आइडिया पे क्लिक करना है और .csv को डाउनलोड करना है। गूगल सीएस को आपको डाउनलोड नहीं करना है दोस्तों, आपको .csv को आपको डाउनलोड करना है। मैंने क्लिक किया,
अब यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ये अभी ये 1 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। और दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप एक्सेल सीट को आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद तब जाके अगला स्टेप आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल सीट आ गई है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपको फार्मूले लगाने हैं, कैसे हमको प्रो लेवल के कीवर्ड को फाइंड करना है। 36 मतलब 3500 कीवर्ड में से अभी हमको सिर्फ 5 ही 10 कीवर्ड आपको मिलेगा। अभी मैं आपको निकाल के बताता हूँ, सिर्फ 5 कीवर्ड निकाल पाए, 5 से 6 कीवर्ड ही हम मिलेगा वो जी जिस पे हम आर्टिकल लिख पाएंगे, बाकी ये सारे कीवर्ड बेकार जाएंगे। अभी देखना 3500 कीवर्ड में आप ये 3500 का 3500 पूरा ख़राब जाएगा। जो 27 कीवर्ड है उसी में से हमको 4-5 कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जिस पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हम अगला स्टेप आपको बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और मैंने दोनों ग्रुप को सिलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप इसे डिलीट सेल कर दीजिएगा। ये मैंने डिलीट सेल किया तो ये गायब हो गया दोस्तों, यानी ये डिलीट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो लिखी है चीज़ें वो आपको दिखें दोस्तों। और यहाँ पर जितनी चीज़ें हमारी काम के नहीं है तो मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया शॉर्टकट में थोड़ा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और आपको सेल एंटर करना है, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पे आप क्लिक करना है तो एक सेल और इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको लिखना है वर्ड, एक वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको करना है इन सारे को सेलेक्ट करना है। ये जो लिखा है वर्ड कीवर्ड मिनी सर्च वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम ये जो कॉलम का नंबर है आपको इनको सेलेक्ट करना है, और अपने कीबोर्ड से दोस्तों आपको जो बटन प्रेस करनी है आप ध्यान सुनिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये देखिए दोस्तों फिल्टर लग गया, मैं आपको यहाँ पर येलो कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ड्रॉप डाउन का फिल्टर लग गया। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, मैं वापस करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो ये सारा ड्रॉप डाउन अभी हट जाएगा, ये देखिए हट गया, अभी ड्रॉप डाउन जो था वो हट गया। दोबारा से मैं दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लग गया। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब अगला स्टेप हम समझते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिनी सर्च वॉल्यूम पे जाना है, ड्रॉप डाउन वाले क्लिक करना है, फिल्टर नंबर पे जाना है, ग्रेटर देन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो मिनिमम हमारा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मंथली का वो 1000 होना चाहिए, तो 1000 तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर हम देंगे, जैसे 1000 दिया तो 1000 से ऊपर वाला दिखाएगा, मतलब 1000, 2000, 3000, 1100, 1200, 1000 से कम नहीं दिखाएगा, 900, 800 वाला नहीं दिखाएगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है, ग्रेटर देन मतलब ऊपर, इस वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू देंगे उसके ज़्यादा दिखाएगा, उससे कम नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओके पे क्लिक किया। अब आपको आना है दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन आपको रहने देना है, यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ लो है तो हम क्या करते हैं सिर्फ कंपटीशन, अगर यहाँ पर हाई होता है तो हम यहाँ पर हाई को अनटिक करेंगे, लो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो भी कंपटीशन है वो लो कंपटीशन है तो इसे हम छोड़ देते हैं। आपको आना है यहाँ पर कंपटीशन पे, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ कंपटीशन लिखा है, कंपटीशन इंडेक्सिंग लिखा होगा यहाँ पर, हाँ इंडेक्स्ड वैल्यू लिखा है, तो आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको आना है नंबर ऑफ फिल्टर पे, उसके बाद जाना है लेस देन पे। अब यहाँ पर जो नंबर आप देखेंगे उससे कम दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखा रहे, यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ, 1 से कम दिखाएगा यानी 0 वाला दिखाएगा, 1 से ऊपर वाला नहीं दिखाएगा अब ये। ठीक है, तो हमारा जो कंपटीशन होना चाहिए उसका 1 होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए, और सॉरी मिनिमम 0 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये 0 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आना है टॉप ऑफ पेज बिट लो रेंज पे, मिनिमम हमारा जो लो होना चाहिए रुपए का, ये रुपए में है तो आप इसे रुपए में भी कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को रुपए में करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा दोस्तों, और करेंसी कर सकते हैं, नंबर लिखा है करेंसी तो यहाँ पर मैं करेंसी कर देता हूँ, तो करेंसी का मतलब तो ये डॉलर में चला जाएगा, तो हमको क्या है ना रुपये में करना है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको डॉलर वाला हटा देते हैं क्योंकि हमको डॉलर में नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या है, 6 रुपये है, 3 रुपये, 0. मतलब 50 पैसे है, तो ये 9 रुपये है। ठीक है, तो आपको सबसे लो लो जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 रुपये यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये से ऊपर वाला दिखाएगा। अभी आप इस CPC व्यूट पे मत जाइए, मैं आपको बाद में इसका एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो आपका यहाँ पर कम से कम आप रखिए 0.10 रख लीजिए। अभी शुरुआत में आप 0.5 या 0.10 रख सकते हैं, तो मैं 0.5 पैसा रख देता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, 0.5 पैसा मैंने रखा है। अब 0.5 पैसे जितना ऊपर वाला होगा वो दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी 0.5 से नीचे नहीं है, सबका सब ऊपर वाला दिखा रहा है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बिट लगी है 0.5 पैसे को ऊपर वाला दिखाता है। अब आपके पास ये डेटा आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे लगभग आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 113, 3586, 3586 कीवर्ड में से हमने 113 कीवर्ड निकाला। अभी इसमें से और हमको फिल्टर करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब वर्ड पे जाएंगे और हम अगला स्टेप अब फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको बराबर इक्वल का साइन लगाना है, LEN लेंथ, वर्ड का कैरेक्टर का, ये जो वर्ड लिखा है अब हमको इसका वर्ड का मतलब का लेंथ पता करना है कितने कैरेक्टर का लिखा है। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आप कीवर्ड पे जो लिखा है सेट उस पर आप क्लिक करेंगे। सेट पे हमने क्लिक किया, अब ब्रैकेट आप बंद करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाया, फिर LEN लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने सेट पे क्लिक किया, तो ये क्या है, ये बी रो है। यहाँ पर आप देखेंगे बी है, तो B5 में ये है, यानी पाँचवें नंबर है ना, पाँचवें सेल पे है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 पाँचवें नंबर पे है और ये बी वाले कॉलम है, तो यहाँ पर बी है, पाँचवा है। उसके बाद हम इंटर दबाएंगे तो साइड का जो करेक्टर आप देखेंगे यहाँ पर 3 पे है, यानी SAD, तो यानी 3 करेक्टर का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी जब ये प्लस का साइन आ जाएगा माउस का, सबसे पहले ये प्लस वाला आ रहा है, आप देखेंगे ये जो माउस का पॉइंटर प्लस वाला है, उसके बाद प्लस वाला देखिए चेंज हो जाएगा। जब इस तरह का प्लस वाला आ जाएगा आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल पे ये एक्टिव हो जाएगा, यानी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वर्ड पे जाना है आपको, नंबर ऑफ फिल्टर पे जाना है, दोबारा आपको क्या करना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पर 25 करेक्टर के ऊपर वाले कीवर्ड चाहिए, 25 करेक्टर के ऊपर वाले कीवर्ड चाहिए, मिनिमम 25 करेक्टर होना चाहिए यहाँ पर, मिनिमम 25 कर। अब 25 कैरेक्टर के ऊपर वाला जितना कीवर्ड होगा वो हमको दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप कोई भी कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं इस वीडियो देखने के बाद, तो मिनिमम आप 25 कैरेक्टर रखें और मैक्सिमम के लिए आप जितना भी लॉन्ग टेल कीवर्ड ले सकते हैं। तो मिनिमम जो हमारा आपका कीवर्ड का लेंथ होना चाहिए 25 कैरेक्टर होना ही चाहिए, उससे कम रखेंगे तो आपकी न्यू ब्रांड वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, तो 25 कैरेक्टर हो गया, उसके बाद हम ओके करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारा ये कीवर्ड आ गया, जो कि मैं अब बोल सकता हूँ या आप बोल सकते हैं कि आप कीवर्ड प्लानर में एक्सपर्ट लेवल पे हैं, या आप कीवर्ड प्लानर का प्रो बन चुके हैं, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं एक्सपर्ट लेवल के कीवर्ड ये हैं दोस्तों। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट का आप इतने अच्छे कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। अब इन जो देखेंगे आप 3586 कीवर्ड में हमने कितने फाइंड किए, 11 कीवर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सपर्ट लेवल होते हैं या प्रो लेवल कीवर्ड रिसर्च होते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग, तो इसी तरह का मैं फंडा और इसी तरह के रूल मैं अप्लाई करता हूँ, जो कि वो पोस्ट मैं आपको कीवर्ड रिसर्चिंग मतलब सेल भी करता हूँ मैं कीवर्ड क्लाइंट को अपने, है ना। 11 कीवर्ड निकाल के दिया ये। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रो लेवल के कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इस पर बिड लगा हुआ है, आपको कितना पर एक क्लिक का, कितना एक क्लिक का 15 रुपये मिलेगा, मिनिमम आपको 15 रुपये मिलेगा ब्यूटीफुल हिंदी लव शायरी का। ठीक है, एक क्लिक का जो आप कहते हैं कि 0.01 मिलता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 15 रुपये मिलेगा, और फिर 15 रुपये फिर यहाँ पर वो वैल्यू है कि आपको कितना पैसा मिलेगा और मैक्सिमम कितना रुपया मिलेगा आपको एक क्लिक पे, आपके कीवर्ड पर मैक्सिमम इतना मिलेगा और मिनिमम इतना मिलेगा। तो इसी के बीच में आसपास ही हमको CPC पे कीवर्ड मिलता है इंडियन करेंसी में दोस्तों। ठीक है,
तो इन सारे कीवर्ड पे अब आप काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी है, और इनका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम आप देखेंगे 10,000 से कम नहीं है किसी का सर्च वॉल्यूम, सबके सब 10,000 सर्च वॉल्यूम है, इसका भी 10,000, यानी 11 कीवर्ड के 10,000 सर्च वॉल्यूम है, और इन सारे कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर कि आपको इसे वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों अगर कीवर्ड से मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं और तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग यूट्यूब किसी भी कीवर्ड के लिए। यहाँ पर मैंने एक चैनल बनाया है और मैं इस चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा चैनल है, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सा चैनल है कि जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। मैं आपको दूसरा चैनल बनाया हूँ वहाँ पर, अभी टेक के नाम से बनाया हूँ, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद यही है। और तो जो मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ अभी टेक की, वो मेरा चैनल क्रिएट हो गया, मैं इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको वीडियो रैंक बताऊँगा कि कैसे आप यूट्यूब की वीडियो को रैंक करा सकते हैं विद इन 24 आवर के अंदर, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा तो आपको मैं बता दूँगा दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं, जो 11 कीवर्ड मैंने निकाल के दी हैं आप इन पे काम कर सकते हैं, जिनकी भी वेबसाइट इस कीवर्ड से रिलेटेड है, और इसके बाद जो मेथड मैंने बताया है इनको फॉलो करके आप अच्छे खासे कीवर्ड को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।